कल मकर संक्रांति का त्यौहार गुलाबी नगरी जयपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मकर संक्रांति का त्यौहार का उत्सव लोगों में देखते ही बन रहा था। लोगों ने दिन भर जमकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया और शाम ढलते ही आतिशबाजी का ऐसा नजारा मानो दिवाली आ गई। रिपोर्ट देखिए। मकर संक्रांति पर गुलाबी नगरी जयपुर का आसमान कुछ ऐसा था। नीले आसमान में पूरे दिन रंग बिरंगे पतंगों का डेरा रहा, तो शाम ढलते ही पतंग की जगह आकाश में उड़ने वाले विशिंग लैंप ने ले ली। सुबह होते ही लोग अपने घरों की छतों पर इकट्ठा होने लगे। तैयारी पूरी थी। रंग बिरंगे पतंग, धागे और संगीत के साथ लोगों ने मकर संक्रांति की शुरुआत। हालांकि पक्षियों को नुकसान न हो, इसके लिए लोगों ने खास तरीके के धागे का इस्तेमाल किया। मकर संक्रांति में पतंगबाजों कैसे एंजॉय कर रहे हैं? अच्छे एंजॉय कर रहे हैं। कुछ अच्छे एक्सप्रेशन भी है और कुछ ऐसा भी लग रहा है कि पतंग वगैरह उड़ाने से पक्के धागे ना हो जिससे पक्षियों को नुकसान हो, और एंजॉय भी कर रहे हैं काफी फेस्टिवल। हाँ नहीं, पतंग वगैरह नहीं उड़ाया जाता, ऐसे बैलून वगैरह से ऐसा किया क्योंकि किसी पक्षी वगैरह को नुकसान ना हो इस वजह से। आप कर रहे हो पतंगबाजी? यार संक्रांति है, एंजॉय कर रहे हैं, खूब मजे कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ, बच्चे भी सब। हाँ पूरी फैमिली, पूरे एंजॉय, पूरी फैमिली है यहाँ पे, संक्रांति को मजे से जा रहे हैं अपनी संक्रांति। पिछले साल कोरोना की वजह से लोगों के उत्साह में थोड़ी कमी थी, लेकिन इस साल लोगों ने पूरे जोश के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया। बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि 2022 में 2021 में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मतलब कोरोना की वजह से, और अभी इतना अच्छा माहौल हो गया कि ऐसा ही होता रहे बस। तो मतलब जो कोरोना में जो कसर थी पूरी कर रहे हैं इस बार, खूब जमकर एंजॉय कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं। पूरे दिन परिजनों और दोस्तों के साथ पतंगबाजी के बाद शाम होते ही आसमान का नज़ारा दिवाली जैसा हो गया। जयपुर के हर घर से विशिंग लैंप उड़ाए गए, साथ ही जमकर आतिशबाजी की गई। जमकर एंजॉय कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं इस बात। हाँ सर, जमकर एंजॉय कर रहे हैं पतंगबाजी को? सर सुबह से एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, माने कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं और कोई भी कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं कर रहे हम, और फुल तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। खाने की व्यवस्था है और सारे एंजॉय, डांस की सारी व्यवस्था है यहाँ पे। खूब पतंगबाजी, अंगुलियाँ कट गई, खूब अच्छा मंजा है, खूब अच्छा मौसम, मौसम का पूरा साथ रहा है आज, मौसम बहुत अच्छा है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है और गर्मी भी नहीं। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी जमकर पतंगबाजी की। कैलाश विजयवर्गीय ने स्थानीय लोगों के साथ गुल्ली डंडा भी खेला। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पतंग हवा में तेजी से उड़ रही है। नहीं, बढ़िया चल रही है उनकी, तो रोज ठुनकी मार रहे हैं, इसलिए भी चिंता वाली बात नहीं, पतंग उनकी उड़ रही है, बहुत अच्छी उड़ रही है। कुल मिलाकर पूरे देश में शुक्रवार को मकर संक्रांति की धूम रही। पतंग, संगीत और खास तौर पर तैयार मिठाइयों के साथ इस पर्व का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। जयपुर से लाल सिंह फौजदार और इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज़ नेशन।